हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर MDSU यहाँ पर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर मैं आपको बीएड का यहाँ पर फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, पहले कहना चाहूँगा साइड यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो चल के मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्या क्या वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं MDSU। आप जैसे सर्च करोगे तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा MDSU एग्ज़ाम। आपको प्रथम जो लिंक मिले उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जो आपको लिंक मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ से हम फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको यहाँ से फॉर्म फिल करने के लिए स्टूडेंट पैनल पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने एग्जाम फॉर्म 2022 का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2021-22 का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और आपके डाटा यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर रेगुलर के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एजुकेशन के बाद में फिर से एजुकेशन। और यहाँ पर जैसे कि आपको जो भी सिलेक्ट करना है दोस्तों, आपको यहाँ देख सकते हो बीएड पार्ट फर्स्ट सेकंड, जो भी आपको यहाँ पर करना है इंटीग्रेटेड कोर्स वाले सभी के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा बीएड, जैसे कि पार्ट फर्स्ट के लिए यहाँ पर करना है। तो आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद में आपकी जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो दोस्तों। यहाँ पर कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी कॉलेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। फिर एग्ज़ाम फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपसे मांगा जा रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के जो आपने रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करो। जो आपने PTT का एग्ज़ाम दिया था उसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो रोल नंबर थे वो यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में फॉर्म फिल करना होगा। फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर समझ चाहूँगा कि मेरे पास में ऐसा कोई सा भी फॉर्म अभी फ़िलहाल नहीं आया है जिसको फॉर्म फिल करके आपको मैं बता पाऊँ। यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रोल नंबर है वो मेरे पास में फ़िलहाल नहीं है, ना ही कोई मेरे पास में फॉर्म है जिसका मैं आपको फिल करके बताऊं। फ़िलहाल मैं आपसे एक आशा चाहूँगा, एक आपसे हेल्प चाहूँगा कि आप अपना एंट्रेंस वाला जो रोल नंबर है मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। केवल आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, फॉर्म फिल नहीं करूंगा। केवल एंट्रेंस फॉर्म यहाँ पर फॉर्म नंबर डाल के केवल ओपन करके, जैसे पिछले मैंने वीडियो बनाया था वैसे ही आपको केवल ओपन करके फॉर्म को फिल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे सबमिट भी नहीं करूंगा, फॉर्म सबमिट भी नहीं करूंगा। केवल आपका फॉर्म ओपन करके आपको बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आपका फॉर्म फिल नहीं होता है वैसे, तो आपको केवल चेक करने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके हर जो डाटा है वो हाइड रखा जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके आपको जो आपका PTT का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर मेरे साथ में शेयर करें इंस्टाग्राम पे, नीचे कमेंट में नहीं, इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली वहाँ पर मुझे मैसेज करें। इसी के साथ मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट ईयर के लिए तो ये हो गया, लेकिन सेकंड ईयर के लिए आखिरकार क्या है यहाँ पर है प्रोसेस, वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं सेकंड ईयर के, क्या सेकंड ईयर का दोस्तों, सेकंड ईयर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे सेकंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में अपेयर अंडर यहाँ पर आपको नो रख लेना है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम रोल नंबर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर का यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लो। इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर डाल दो, जो भी इनरोलमेंट नंबर है आपके, और ईयर आपको यहाँ पर डालने हैं इनरोलमेंट ईयर, और उसके बाद में जो नंबर है उसके पीछे की वो नंबर यहाँ पर फिल कर दो। और जो लास्ट ईयर के रोल नंबर है वो रोल नंबर, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर के रोल नंबर और आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डल जाएंगे, और लास्ट ईयर की ईयर यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ में इनरोलमेंट नंबर जो ईयर के पास में जो इनरोलमेंट नंबर होते हैं वो यहाँ पर नीचे डल जाएंगे, और सबमिट पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो दोस्तों, आपसे हेल्प चाहिए, आप अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में साझा करते तो आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे, पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आई होप फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर करूंगा समाप्त। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।